भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म के आगे क्या पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म फेल हो चुकी है। जी हाँ, हमारे सामने कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि मेहंदी लगा के रखना 3 ने धमाल मचा दिया है। दर्शकों को इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। खास बात तो ये है कि महिलाएं इस फिल्म को बहुत इंजॉय कर रही हैं और भारी मात्रा में यह फिल्म देखने भी आ रही हैं। वैसे अक्सर ये बहुत कम होता है कि भोजपुरी फिल्में देखने थिएटर तक महिलाएं जाएं। जब भोजपुरी फिल्में टीवी पर रिलीज़ होती हैं या यूट्यूब पर रिलीज़ होती हैं तभी महिलाएं देख पाती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जब थिएटर तक महिलाएं पहुंचती हैं। और इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक महिलाएं पहुंची हैं और इसका नज़ारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र की बात करें तो इसे देखने के लिए उतनी तादाद में भीड़ नहीं जुट रही है जितनी जुटनी चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है जब 7 फिल्में रिलीज होती हैं तो एक फिल्म को घाटा होता है, एक फिल्म को फायदा होता है, लेकिन स्टारडम भी यहीं से तय होता है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टारडम भी ऐसे ही तय किया जाता है। मेहंदी 3 कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा। बढ़िया है। फिल्म का गाना कैसा लगा? कौन सा गाना? आपको कैसा लगा पिक्चर? अपने बाकी लोगों को ही बोलिए देखने के लिए। ठीक लगा ना? 2 फिल्में रिलीज एक साथ हुई जिसकी फिल्म ने बाजी मारी। कहा जाता है कि स्टार वही है, यानी आप ये कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की इस फिल्म का जो हाल है, जिस तरह से लोग इसे देखने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में यह फिल्म सुपरहिट डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन पवन पुत्र की बात करें तो भाई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है जिसे हम ये कह सकें कि फिल्म पवन पुत्र को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जुट रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को। हाँ, ऐसा कोई वीडियो भी सामने नहीं आया है, लेकिन खेसारी से जुड़े सभी सदस्यों का ये कहना है कि फिल्म काफ़ी अच्छी है, मेहनत से बनाई गई है, पुरानी टीम है, इसलिए लोगों ने इस फिल्म को देखना ज़्यादा प्रेफरेंस समझा। फिल्म के गानों ने भी धमाल मचाया था, लेकिन वहीं पवन पुत्र के आप बात करेंगे तो फिल्म के ट्रेलर ने उतना खास धमाल नहीं मचाया जितना खास धमाल की उम्मीद थी लोगों को। खैर, जो भी हो, हम यही कहेंगे कि शायद लोगों को अभी ये पता नहीं हो या इस फिल्म का उतना प्रमोशन अभी नहीं हुआ हो, तो भाई अभी से जुड़ जाइए, थोड़ा और प्रमोशन कर दीजिए, लोगों को पता चल जाए कि फिल्म पवन पुत्र भी मेहंदी लगा के रखना 3 के साथ रिलीज़ हुई है और फिल्म को लोग देखने जाए। और यह फिल्म भी, दोनों फिल्में भी हम ये कहेंगे, क्योंकि ये भोजपुरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा, भोजपुरी फिल्म के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है जब फिल्में अच्छा करती हैं। तो इसलिए भाई, ये लोगों को अगर पता नहीं है तो हम भी अपने थ्रू बता देते हैं, पवन पुत्र आपके नियरेस्ट सिनेमा घर में लगी है, जाइए देखिए और इन दोनों फिल्मों को पसंद भी कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।